अभी जो मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम टेरेस रूम मीन्स पोटा कैबिन बनाने वाले हैं विद इंसुलेशन। तो ये एरिया जो देख रहा है, इस एरिया में हमारा बनना है। तो अभी हमने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और वॉल्स बना दी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो अभी हमारा टाइलिंग के लिए हम थोड़ा सा उठा रहे हैं इसे 2 इंची, उसके ऊपर टाइल लगेगी ताकि पानी ना अंदर आए। तो ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता के चलूंगा किस तरीके से हम ये पोटा कैबिन बना रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर रूफिंग शीट लगी हुई है जो कि SR ब्रांड की है। अभी हम कटिंग कर रहे हैं थोड़ी एक्स्ट्रा ज्यादा बार, इसलिए अभी आप देखेंगे तो ये इंसुलेशन हमारा हो चुका है। जैसा आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये पूरा इंसुलेशन है जो हीट के लिए यूज होता है प्लस साउंड प्रूफिंग के लिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि रूम के अंदर ज्यादा हीट नहीं आएगी और टेम्परेचर रूम का कंट्रोल रहेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, प्लस इससे आपकी साउंड प्रूफिंग भी हो जाती है। दोनों बेनिफिट आपको मिलते हैं। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। अभी ये शीट हम, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो कटिंग कर रहे हैं, ये ज़्यादा निकल जाती है तो हम कट कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे आप देखेंगे पूरा टाइलिंग वर्क हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम बेस बना रहे हैं पूरा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। ये पूरी हमने वॉल दोनों मैच किए, जो हमारी एग्जिस्टिंग वॉल थी और जो हमारा अपनी वॉल पैराफिट के ऊपर से बनाई है। अभी आप देखेंगे इधर, मैं आपको पूरी वॉल दिखा देता हूँ। ये हमारा पुट्टी वर्क स्टार्ट हो गया है, दोनों वॉल को हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। पुट्टी जॉइंटिंग वर्क हमारा हो चुका है। ये जॉइंट के लिए आपको टेप यूज करना चाहिए, फाइबर टेप, तो उससे आपके क्रैक जल्दी से नहीं खुलते हैं। तो अभी आप वीडियो में देखिए, ये पूरा हमारा पुट्टी वर्क इसमें हो रहा है, ठीक है। बाहर से भी हमारा पुट्टी होगा अभी इसमें, उसके बाद हम लोग पेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें टाइल लगना भी बाकी है। वायरिंग वर्क हम कर चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा वायरिंग वर्क हम लोगों का हो चुका है इसके अंदर। बस हमारी कोप लाइट डलेगी जो कि कटिंग करके कोप लाइट लग जाएगी। ये देखिए हमने मैच किए, जो एग्जिस्टेंस वॉल थी और जो हमने अपनी प्रीफैब वॉल बनाई है, दोनों वॉल को हमने अच्छे से मैच किया है। और अभी आप देखो ये पुट्टी हो रही है इसमें अभी, तो अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट पुट्टी सारी हो चुकी है और कोप डिजाइन भी हमारा बन के रेडी है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें ये होगा कि पुट्टी के बारे में इसमें पेंट करेंगे। पहले ये घिसेगा, घिसाई होगी इसकी, उसके बाद इसमें पेंट वर्क होगा। लाइट वर्क ऑलरेडी हमारा अंदर, सारी वायरिंग ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। तो अभी आप ये देखिए पुट्टी होने के बाद ये मैच हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी इसमें एक्चुअली 2 बार पुट्टी हम लोगों को घिसनी पड़ती है, ठीक है। अगर 1 बार में आ जाता तो हम 1 ही बार घिसते हैं। अभी हमारा फ्रंट रह रहा है, इसके बाद हम फ्रंट साइड में पुट्टी करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, ठीक है। ये पूरा भी फ्रंट साइड भी हमारा पुट्टी हो रहा है फ्रंट साइड में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा पेंट हो जाएगा और जो हमारा ग्लास लगना है ग्लास लगेगा। टाइलिंग वर्क अभी हम लोगों का रह रहा है। ये आप देखेंगे फैन के लिए हमने बीच में स्पेस छोड़ दिया है ऑलरेडी। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अभी हम पेंट ही हो रहा है। एक्चुअली सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है इसके अंदर, पेंट करने में काफी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है पेंट करने में। फिर भी आप मान के चलिए 3-4 दिन में, 3 से 4 दिन में पेंट हो जाता है। अगर 2-3 पेंटर मिलके काम करें तो 4 दिन मान के चलिए, आप 4 दिन में आपका पेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में, ऑलमोस्ट हमारा 1 कोट हो चुका है और टाइल भी हमारी इधर लग चुकी है। तो अभी टाइल लगने के बाद हम थोड़ी सफाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे लास्ट में हमारा ग्लास लगता है, जो हमारा UPVC फ्रंट है, ग्लास है वो सबसे लास्ट में लगना है, सबसे लास्ट का काम होता है, ठीक है। अभी आप वीडियो में देखिए, ये अभी मैंने वीडियो आपको दिखाई है, अभी देखिए पूरा रेडी होने के बाद कैसा लगेगा। ये पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका, आप देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसमें। पेंट करने के बाद आपको पता ही नहीं लग रहा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। मैं आपको एक बार इसकी पूरी वीडियो दिखा देता हूँ प्रॉपर बनने के बाद ये कैसा लगा। तो हेलो दोस्तों, जो रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ बनने के बाद, फैब्रिकेटेड रूम है, इस तरीके का आयरन के स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे लुक की। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा होता है कि रूम गर्मी में ठंडा रहता है, क्योंकि हम इसके अंदर इंसुलेशन करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा रूम अपने टेरेस के लिए बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 12x12 का रूम बनाने की कॉस्ट 3.5 लाख रुपए आती है, जिसके अंदर हमारा सारा कुछ इंक्लूड है। जो भी आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं सारी चीज इंक्लूड है, पूरा मैं आपको सेम इसी तरीके का रूम बना के दूंगा। तो जल्दी से काम है।